एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से फैकल्टी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से फैकल्टी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। टोटल इसमें 68 वैकेंसी है। अब इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोफेसर पोस्ट में टोटल 20 वैकेंसी है। अब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, कॉमर्स में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज में 2 पोस्ट है, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है, हिंदी में 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में 1 पोस्ट है, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 1 पोस्ट है, जूलॉजी में 1 पोस्ट है, मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 1 पोस्ट है, फिलोसॉफी में 1 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है, स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट है, योगा में 1 पोस्ट है, टीचर एजुकेशन में 1 पोस्ट है। अब एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट में टोटल 34 वैकेंसी है। इसमें डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। एडल्ट काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 1 पोस्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 पोस्ट है, बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, डांस एंड म्यूजिक में 1 पोस्ट है, अर्थ साइंस में 1 पोस्ट है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज में 3 पोस्ट है, फाइन आर्ट्स में 1 पोस्ट है, फॉरेन लैंग्वेजेस में 2 पोस्ट है, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में 1 पोस्ट है, जियोग्राफी में 1 पोस्ट है, हिस्ट्री में 2 पोस्ट है, जूलॉजी में 1 पोस्ट है, मणिपुरी में 3 पोस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है, साइकोलॉजी में 2 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट है, योगा में 1 पोस्ट है, टीचर एजुकेशन में 3 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 14 पोस्ट है। अब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, डांस एंड म्यूजिक में 1 पोस्ट है, अर्थ साइंस में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 3 पोस्ट है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज में 1 पोस्ट है, मणिपुरी में 2 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 1 पोस्ट है, सोशियोलॉजी में 1 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन देखा जाएगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स, सैलरी मिलेगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स, अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.manipuryuniversity.ac.in। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 29 फरवरी 2024 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2024। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज हुए 23 फरवरी 2024 को। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी बता दिए है, एक बार आप जरूर देख लेना। अब इसमें एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो देख लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 1000 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 400 रुपीज। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 29 फरवरी 2024 की डेट से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2024। हार्ड कॉपी सबमिट करने का लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.manipuryuniv.ac.in। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।